हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मैं शशि में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम एजोर में वर्चुअल मशीन का बैकअप कैसे लेते हैं, पूरी वर्चुअल मशीन का बैकअप कैसे लेते हैं और उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, और पूरी वर्चुअल मशीन का बैकअप लेने के बाद हम अगर फाइल लेवल पे हमें रिकवरी करनी है तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि हम पहले वर्चुअल मशीन का बैकअप कैसे लेंगे पूरी का, उसके बाद फाइल रिकवरी कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने एजोर पोर्टल पे। एजोर पोर्टल पे जाके हम क्या करते हैं, पहले एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कोई वर्चुअल मशीन नहीं है तो हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। पहले कोई भी कर सकते हो आप, विंडो की कर लो, लिनक्स की कर लो, जो आपको बेटर लगे। बस हमें ये चेक करना है कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया ग्रुप बना लेता हूँ डेमो स्टडी के नाम से, और उसके बाद क्या करते हैं, हम वर्चुअल मशीन का नाम रख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है हमें, बैकअप वीएम बैकअप टेस्ट। ठीक है, रीजन चेंज कर देता हूँ मैं ईस्ट यूएस में। यहाँ पे मैं इमेज में ले रहा हूँ, यहाँ पे विंडो 10 सेलेक्ट करता हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, या एक काम करते हैं 19 सर्वर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप साइज में आप डिफॉल्ट साइज ले रहे हैं हम अभी। यूजर नेम पासवर्ड सेट करता हूँ मैं, यूजर नेम डालता हूँ स्टडी, पासवर्ड डालते हैं हम। पासवर्ड आपका मिनिमम 12 करेक्टर का होना चाहिए, तो मैंने पासवर्ड सेट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हम आरडीबी पोर्ट अलाउ करते हैं, इसके साथ एक और काम कर लेते हैं, पोर्ट 80 को भी अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे पूछता है लाइसेंसिंग में सेव कॉस्ट करनी है अगर आपके पास है नहीं है तो, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यस, आपको अपना लाइसेंस डालना होगा। ठीक है, तो मैं इसको नो करता हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, नो करते हैं। डिस्क टाइप में मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड SSD ले लेता हूँ, बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। नेटवर्किंग में मुझे अभी कुछ चेंज नहीं करना है, मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ओके करता हूँ। मैनेजमेंट में मैं बूट डायग्नोस्टिक ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए, नेक्स्ट करते हैं। एडवांस में भी कुछ नहीं करना मुझे, और यहाँ पे टैग में भी नहीं डालना मुझे कुछ अभी। इसके बाद आप रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद वर्चुअल मशीन को हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन को। तो ये देखिए आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं हो रही है। सबमिटेड द डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट्स फॉर रिसोर्स ग्रुप डेमो स्टडी, डिप्लॉयमेंट टू रिसोर्स ग्रुप डेमो स्टडी इन प्रोग्रेस। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 4 से 5 चीज़ें वो अपने साथ क्रिएट करता है, जैसे पब्लिक आईपी होता है, वर्चुअल मशीन का इंटरफेस कार्ड होता है, नेटवर्क ग्रुप होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, और आपका वी नेट होता है, वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये डिफॉल्ट क्रिएट करता है अपने वर्चुअल मशीन के साथ। तो उसके बाद क्या करना होगा, हम एक बार वर्चुअल मशीन का रेडी होने देते हैं, तो फिर देखते हैं मैं उसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन रेडी हो गई है, योर डिप्लॉयमेंट इज कम्प्लीट। तो यहाँ पे आप कम्प्लीट गो टू रिसोर्स करोगे तो यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन में चले जाओगे। अगर यहाँ आप नोटिफिकेशन पर जाके भी करते हो तो वो यहाँ से भी आप वर्चुअल मशीन में चले जाओगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे गो टू रिसोर्स पर जाते हैं और हम अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम अपनी वर्चुअल मशीन को एक बार एक्सेस करते हैं पब्लिक आईपी के थ्रू। मैं RDP लेता हूँ, कनेक्ट करते हैं अपना, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं मैंने जो सेट किया है। यस करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी वर्चुअल मशीन आपको एक्सेस हो गई है। तो इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं अपने वर्चुअल मशीन पे, ताकि हम वो फाइलें डिलीट करके उनको रिकवर कर सकें। कैसे करते हैं वो, क्या प्रोसेस रहती है, वो चीज़ हम देख सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ फाइलें क्रिएट कर लेते हैं अपने यहाँ पे। वर्चुअल मशीन एक्सेस होने दी। ठीक है, आपकी पर्सनल सेटिंग कॉन्फ़िगर कर रहा है अभी, जो आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, फिर जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो किसी भी वर्चुअल मशीन पे, सर्वर पे, या किसी भी फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये लॉगिन हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आपकी वर्चुअल मशीन आपको एक्सेस हो गई है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं अपने यहाँ पे।
कुछ भी बना लो आप, कोई भी बना लो, आपको बस आइडिया मिलना चाहिए कि आपने फाइल बनाई थी और आपकी वो डिलीट हुई थी और आपने उसको रिकवर किया है। ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ फाइल्स बनाता हूँ, क्या करते हैं। ठीक है, तो मैंने, आप देख रहे हैं कि मैंने 4-5 फाइलें बनाई हैं ये। अब मैं क्या करता हूँ, वर्चुअल मशीन का इसका बैकअप लेंगे। बैकअप कैसे लेंगे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अपनी वर्चुअल मशीन पे आते हैं एजोर पोर्टल में, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आपको ये डिटेल दी होती है आपकी वर्चुअल मशीन की, उसके लेफ्ट साइड में आपको देखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देगा बैकअप का। ठीक है, बैकअप पे आने के बाद क्या करना होगा, हमें आपके पास बैकअप, जब भी हम कोई भी बैकअप लेते हैं तो हमें एक रिकवरी सर्विस रिकवरी वॉल्ट की ज़रूरत होती है। तो रिकवरी सर्विस वॉल्ट या तो आप नया क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपने पहले से क्रिएट किया हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हो। इसमें रिकवरी सर्विस वॉल्ट में क्या क्या आता है आपका, आपकी मतलब बैकअप पॉलिसीज आती हैं कि आपको बैकअप पॉलिसी कौन सी लगानी है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कितने चीज़ों का आपने बैकअप लगाया है, कितने का नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मेरे पास VM बैकअप के नाम से मैंने बनाया हुआ है, तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। पॉलिसी यहाँ पे चूज बैकअप पॉलिसी क्या लेनी है आपको, यहाँ पे डिफॉल्ट ले सकते हो आप, या फिर आप यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू पे जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी आपकी यहाँ पे डेली भी रहती है, वीकली भी रहती है, तो वीकली ले सकते हो, डेली ले सकते हो। मैं डेली का लेके चलता हूँ, यहाँ पे बैकअप में नाम डाल देता हूँ पॉलिसी नेम VM बैकअप। ठीक है, टाइम की, इस टाइम पे आपको बैकअप लेना है, आप किसी भी टाइम पे डाल सकते हो आपके अकॉर्डिंग। टाइम जोन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपको जिस टाइम जोन पे आप लेना चाहते हो, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगता है, यहाँ पे मैं चेन्नई कलकत्ता ले लेता हूँ अपना इंडिया का। ठीक है, रिटेन इंस्टेंट रिकवरी स्नैपशॉट, कितने स्नैपशॉट उसको रखनी है, मैक्सिमम 2 स्नैपशॉट रखेगा वो। ठीक है, 2 डेज के लिए। रिटेंशन रेंज, अब रिटेंशन रेंज क्या होती है कि आपका जो बैकअप रहेगा अभी हमका इस सर्विस रिकवरी वॉल्ट के अंदर, वो कितने दिन तक रहना चाहिए। आपका बाय डिफॉल्ट 180 डेज तक होता है, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम डिफॉल्ट लेके चलते हैं। उसके बाद आता है आपका रिटेंशन पॉलिसी, किस वीक में होनी चाहिए, वीकली अगर वे लेते हो तो आप किस वीक में होनी चाहिए। आप यहाँ से इसको वीकली करके करके और टाइम सेट कर सकते हो कि आपकी इस थर्सडे को 12 बजे होनी चाहिए हर वीक में। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो इसको, यहाँ पे मैंने जैसे 2 किया है तो 2 हो गया, 1 किया है तो मैंने वीक में 2 बार, अगर आप सेलेक्ट ऑल करते हो तो वीक में हर बार वो उसका बैकअप लेगा। ठीक है, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ क्योंकि मैंने डेली का लिया हुआ है। ऐसे ही आप मंथली का भी कर सकते हो, मंथली किस टाइम पे लेनी चाहिए, वीकली बेस्ड लेनी है, डे बेस्ड लेनी है, डे में एक बार, मंथ में एक बार, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरह आपका ईयर का भी होता है, ये रिटेंशन ऑफ ईयरली बैकअप पॉइंट्स। तो यहाँ पे भी आपको पूछता है कि किस डेट पे स्टार्ट होना चाहिए, कब होगा, डे क्या होना चाहिए उस टाइम पे, और कितने बजे शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये, मैं पॉलिसी नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ डेली वाली पॉलिसी बनाई है, मैंने डेली वाली पॉलिसी में यूज कर रहा हूँ, 2:30 पे बैकअप लेगा वो डेली। ओके कर देता हूँ इसको। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा भी देता है कि आपने जो पॉलिसी लगाई है किस टाइम पे क्या बैकअप लेगा, कितने डे का उसका रिटेंशन रहेगा बैकअप का। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इनेबल बैकअप करते हैं। इनेबल बैकअप करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, और बैकअप पॉलिसीज को वो इनेबल कर देगा आपकी वर्चुअल मशीन के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा टाइम ये। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है आपका। तो ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, कुछ ही टाइम लेता है आपका, तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका बैकअप इनेबल हो गया है। तो हम क्या करते हैं, गो टू रिसोर्स ग्रुप जाते हैं, और यहाँ पे अपना जो हमने VM बैकअप के नाम से पॉलिसी बनाई है उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको क्या दिखा रहा है, ये कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे बैकअप रेप्लिकेट डिलीट रिसोर्स रिफ्रेश का ऑप्शन दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दे रहा है आपको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैकअप डैशबोर्ड पे जाते हैं, या फिर आप यहाँ पे देखिए जो हमारा VM बैकअप के नाम से हमने रिकवरी सर्विस वॉल्ट बना रखा है, इसके अंदर ही आपको बहुत सारे ऑप्शन देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे बैकअप, बैकअप किस चीज़ का बैकअप लेगा वो सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकअप पे क्लिक करता हूँ। हमें बैकअप किस चीज़ का लेना है, एज्योर VM का लेना है,
एजोर स्टैक से लेना है, एजोर ऑन प्रमाइज सर्वर का बैकअप लेना है, तो हमें एजोर का लेना है। एजोर पे किस चीज़ का बैकअप लेना है आपको? वर्चुअल मशीन का, एसक्यूएल सर्वर इन वीएम, एजोर वीएम, एजोर फाइल शेयर, मतलब डाट जो हमारा स्टोरेज होता है फाइल शेयर इसमें, उसका लेना है, या एसएपी हाना इन एजोर वीएम लेना है। तो हम यहाँ पे वीएम का बैकअप लेके चलेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ बैकअप। तो पॉलिसी हमारी जो हमने सेलेक्ट की हुई है वही रहेगी, बस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बैकअप पॉलिसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब वर्चुअल मशीन को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका हमें बैकअप लेना है। तो हम उसका बैकअप ऑलरेडी इनेबल कर चुके हैं, तो अगर आप यहाँ पे आपने वहाँ से बैकअप इनेबल नहीं किया है तो आप यहाँ से जाके उसको ऐड कर सकते हो, बट हमने ऑलरेडी इस पर किया हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको बंद करते हैं और अपने वर्चुअल मशीन पे आते हैं। इस पर आपका जो बैकअप का ऑप्शन आपको दिखा रहा था उस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन दिखा रहा होगा आपको कि यहाँ पे बैकअप नाउ, रिस्टोर वीएम, फाइल रिकवरी, स्टॉप बैकअप, रिज्यूम बैकअप और अलर्ट्स, और जॉब जो आपकी बैकअप की जॉब चल रही होंगी, बैकअप स्टेटस अभी पास है बट कोई बैकअप नहीं है हमारे पास अभी लास्ट बैकअप स्टेटस, रिकवरी सर्विस वोल्ट ये है नाम से हमारी बैकअप पॉलिसी हमारी क्या है यहाँ पे देख सकते हो आप जाके, ओल्डेस्ट रिस्टोर पॉइंट, अभी तक कोई रिस्टोर पॉइंट नहीं क्योंकि कोई बैकअप हुआ नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद ये देता है द लिस्ट इज फिल्टर्ड फॉर लास्ट 30 डेज ऑफ रिसोर्स पॉइंट टू रिकवर फ्रॉम रिस्टोर पॉइंट ओल्डर देन 30 डेज। तो यहाँ पे जाके आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे देखना है आपको, तो यहाँ पे आप पॉलिसी देख सकते हो कि कौन कौन सी पॉलिसी है बैकअप की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले यहाँ पे बैकअप ले लेते हैं एक बार अपने वर्चुअल मशीन का। ठीक है, बैकअप में आते हैं हम दोबारा से और हम क्या करते हैं इसको बैकअप नाउ कर देते हैं। बैकअप नाउ मतलब या तो ये जिस टाइम को हमने शेड्यूल लगाया उस टाइम पे बैकअप ले लेगा, या अगर हम अभी बैकअप नाउ करते हैं तो ये एक बार बैकअप अभी लेगा, उसके बाद दोबारा बैकअप जिस टाइम का हमने शेड्यूल किया हुआ है उस टाइम पे लेगा। ठीक है, तो आपको अगर जॉब अलर्ट चेक करते हैं या व्यू जॉब और जॉब चेक करने जो बैकअप की है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने ये कन्फिगर किए हैं वो दिखा रहा है ये। इसके बाद हमें क्या करना है, बैक करते हैं एक बार और यहाँ से बैकअप नाउ कर देते हैं। यहाँ पे डेट दिखाएगा आपको किस डेट पे बैकअप लिया आपने, ओके करते हैं। आप अगर चेंज करना चाहो तो इसको रिटेन टिल बैकअप टिल यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको जॉब प्रोसेस में दिखा देगा कि आपका बैकअप हो रहा है अभी। दोबारा से व्यू और जॉब पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए आपका वीएम बैकअप टेस्ट बैकअप इन प्रोग्रेस दिखा रहा है आपको यहाँ पे 8:15 इस टाइम पे बैकअप हुआ है, ड्यूरेशन 11 सेकेंड हो गया है अभी। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरा दिखाएगा वो, ठीक है। तो एक बार इसको बैकअप को कंप्लीट होने देते हैं हम, और जैसे ही यहाँ पे बैकअप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका लास्ट बैकअप ऑप्शन स्टेटस दिखाने लग जाएगा और ओल्डेस्ट रिकवरी स्टोर पॉइंट भी यहाँ पे दिखाएगा आपको जो हमने क्रिएट किया है अभी, ठीक है। तो एक बार बैकअप कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं क्या है। जॉब पे चलते हैं एक बार और इसको मॉनिटर करते हैं थोड़ी देर के लिए कि कितना टाइम ले रहा है ये बैकअप होने में, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे बैकअप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अभी लास्ट बैकअप स्टेटस सक्सेस है और यहाँ पे आपका रिकवरी पॉइंट भी क्रिएट हो गया होगा एक, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है हमें, काम करते हैं हम इसको जाते हैं, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे ऊपर आपका ऑप्शन बैकअप के बैकअप नाउ के साथ में रिस्टोर वीएम और फाइल रिकवरी दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो गए। अगर आपको पूरी वीएम को रिस्टोर करना है तो आप पूरी वीएम को भी रिस्टोर कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ फाइल लेवल पे रिकवरी करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, तो ठीक है। तो हम फर्स्ट इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम फाइल लेवल पे कैसे रिकवरी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने जो हमने वर्चुअल मशीन पे कुछ फाइल्स क्रिएट की थी हम उन फाइल्स को डिलीट कर देते हैं सबको, ठीक है। मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस डिलीट दबा रहा हूँ। यहाँ पे श्योर पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट परमानेंटली दिस फोर आइटम, यस ठीक है। मैं आ रही अभी परमानेंट डिलीट हो गया, तब अब हमें इसको वापस रिकवर करना है। तो रिकवर कैसे करते हैं, हम अपने वर्चुअल मशीन पे चलते हैं और रिकवर के लिए क्या होगा आपको, पहले हम रिकवरी करेंगे फाइल रिकवरी के थ्रू। तो फाइल रिकवरी के थ्रू कैसे रिकवर करते हैं वो चेक करते हैं हम यहाँ पे फाइल रिकवरी पे क्लिक करते हैं। फाइल रिकवरी पे क्लिक करने के बाद आपसे पहला स्टेप पूछेगा कि सिलेक्ट रिकवरी पॉइंट, कि किस रिकवरी पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है। मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल रिकवरी पॉइंट्स है बहुत सारे मामले में, मतलब लास्ट 1 मंथ का हमारे पास बैकअप है और हमें बैकअप चाहिए मान लो 5 दिन पुराना, तो हम यहाँ पे 5 दिन पुरानी डेट सेलेक्ट करेंगे और उसको वो
कर लेंगे। तो मेरे पास अभी एक ही बैकअप है यहाँ पे, तो मैं वो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद क्या करें कि डाउनलोड स्क्रिप्ट टू ब्राउज एंड रिकवर फाइल्स, 12 घंटे तक आपकी माउंटेड रहेगी डेवस ने, वो पासवर्ड हमें वहाँ पे डालना हो। तो ये पास ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट जनरेट कर लेते हैं एक बार। जैसे फाइल रिकवरी पे रिस्टोर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। रिस्टोर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, डाउनलोड एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट करनी होगी। तो वो स्क्रिप्ट आपकी जनरेट करेगा। ये स्क्रिप्ट जनरेट करके क्या होगा, हमें वो स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक पासवर्ड भी जनरेट करेगा साथ में। तो हमें वो स्क्रिप्ट हमारी वर्चुअल मशीन के ऊपर रन करनी है जिसका हमें बैकअप लेना है। ठीक है, तो हमें इस वर्चुअल मशीन का बैकअप रिस्टोर करना है जिसका हमने डिलीट की थी फाइल्स। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जैसे स्क्रिप्ट जनरेट होती है ये। ठीक है, तो ये जनरेट हो गया आपके, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड में डालते हैं। ओके करते हैं इसको। अब इस स्क्रिप्ट को क्या करते हैं, हम अपने सर्वर पे कॉपी करते हैं जिसका हमें बैकअप रिस्टोर करना है। तो मैं वर्चुअल मशीन पे चलता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको और इसको। पेस्ट होने के बाद इस स्क्रिप्ट को हम रन करेंगे। ठीक है, रन करते हैं। अभी पूछ रहे कि प्लीज एंटर द पासवर्ड फ्रॉम द पोर्टल एज इज एंड प्रेस एंटर। तो हमारा पोर्टल पे जो पासवर्ड जनरेट किया है इसने, वो पासवर्ड हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं हमारी इस फाइल के अंदर। ठीक है, पासवर्ड पेस्ट हो गए। तो जैसे ही पासवर्ड पेस्ट करने के बाद हम एंटर करेंगे, तो ये क्या करेगा, एक पावर सेल स्क्रिप्ट जनरेट करेगा और पावर सेल में उसको रन कर देगा। तो उसमें रन करने के बाद क्या होगा कि आप जब आपको माई कंप्यूटर ओपन करते हो, तो एसपीसी ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको अभी ये दो डिस्क दिखा रहा है। बट ये पूरा कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, एक अलग से डिस्क माउंट करवा देगा आपके सिस्टम के साथ, जहाँ पे आपको आपका बैकअप दिखाएगा, जो आपकी बैकअप की फाइलें डिलीट की थी आपने। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, इसको कंप्लीट होने देते हैं, ये भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे बता भी रहा है कनेक्शन सक्सेसफुली, प्लीज वेट वाइल वी अटैच वॉल्यूम ऑफ द रिकवरी पॉइंट्स, ओपन एक्सप्लोरर टू ब्राउज फाइल्स, आफ्टर रिकवरी टू रिमूव द डिस्क, क्लोज द कनेक्शन टू द रिकवरी पॉइंट एंड क्लिक ऑन अनमाउंट डिस्क टू स्टेप 3 फॉर द पोर्टल। ठीक है, अब देखिए कि आपको यहाँ पे एक पार्टीशन डिस्क आपके यहाँ पे ऐड हो गया होगा। ये देखिए यहाँ पे आपके पास अभी इसने 4 डिस्क दिखा दिए हैं आपका। ये आपका टेम्परेरी होता है और ये आपका जो जी ड्राइव इसने ऐड किया, जी ड्राइव एक नया डिस्क ऐड कर दिया जो आपका सी ड्राइव पहले से बना हुआ था। तो इसमें किस यूज़र के अंदर बनाया था हमने, जहाँ पे देखेंगे हम यूजर्स के अंदर जाते हैं, स्टडी यूजर से हमने लॉगिन कर रखा है। अगर हम इसके डेस्कटॉप पे जाते हैं तो हमने जो वो 4 फाइलें बनाई थी, वो चारों की चारों फाइलें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ से कॉपी करो और नॉर्मल अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लो इसको। तो इस तरह से आप डाटा रिकवर कर सकते हो अपने फाइल्स का बैकअप के थ्रू, बैकअप रिस्टोर के थ्रू। तो देखिए मैंने वहाँ से कॉपी की है, अब क्या करता हूँ, मेरे पास डाटा आ गया मेरा, मैं इस ड्राइव को अनमाउंट करना है। अनमाउंट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से मैं क्यू प्रेस करता हूँ, एग्जिट करते हैं। क्यों एंटर, आप इसको क्रॉस से भी बंद कर सकते हो ऊपर से। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, क्यों एंटर, बंद हो गया। अब आप यहां पे देखोगे आपका जो अभी ये जी ड्राइव माउंटेड है यहाँ पे, तो इसको हमें अनमाउंट करवाना है। अनमाउंट करवाने के लिए क्या होगा, हम अपने एजोर पोर्टल पे आते हैं और जो फाइल रिकवरी की टैब थी हमारी उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्टेप 3 में ये अनमाउंट द डिस्क आफ्टर रिकवरी। तो यहाँ पे अगर हम अनमाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अनमाउंट हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ी सी देर बाद अभी भी आपको दिखा रहा है, बट ये थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे आपको जैसे सर्वर के साथ सिंक हो जाएगा आपका, यहाँ से ये दोनों डिस्क आपके ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक यहाँ पे अनमाउंट सक्सेसफुली हो गया है, बट अभी वहाँ पे दिखा रहा होगा आपको। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि रन दिस स्क्रिप्ट ऑन द वर्चुअल मशीन वेयर यू वांट टू कॉपी द फाइल्स। आप किसी भी सिस्टम पे रिकवर कर सकते हो, आप मेरे सिस्टम पे चाहूँ तो मैं अपने सिस्टम पे भी कॉपी करके उसको रिकवर करवा सकता हूँ। ठीक है, टू रिस्टोर फाइल लार्जर देन 10 GB रिस्टोर इंटायर VM। अगर 10 GB से ज़्यादा साइज की आपकी कोई भी फाइल रिकवर करवा रहे हो, तो वहाँ पर आपको कह रहा है कि
पूरी इंटायर वीएम को रिस्टोर कर दो, वो बेटर रहता है आपको। ठीक है, अब एक बार वर्चुअल मशीन पे चलते हैं और यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अभी भी आपको ये दिखा रहा है। ये देखिए रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपकी दोनों डिस्क जो थी यहाँ पे हमने अटैच हुई थी वो हट गई हैं, बट हमारा डाटा हमने यहाँ पे बैकअप ले लिया है पहले से। तो इस तरह से आप यहाँ पे बैकअप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो तो ये स्क्रिप्ट अपने सिस्टम पे भी रन कर सकते हो। अपने सिस्टम पे बैकअप लेना, तो आप अपने सिस्टम पे बैकअप लेके उसके बाद अनमाउंट करवा सकते हो। तो इस तरह से आपका क्या होता है कि आप एक वर्चुअल मशीन का बैकअप ले सकते हो, फाइल रिकवरी के थ्रू रिस्टोर करवा सकते हो। हमने बैकअप पूरी की पूरी वीएम का ले रखा है। अगर हमें पूरी वीएम रिस्टोर करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं यहाँ से। वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें देखेंगे आप कि हम पूरी इंटायर वीएम का रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, उसका बैकअप कैसे लेते हैं और इंटायर वीएम को रिस्टोर कैसे करेंगे। तो इसमें हमने क्या सीखा कि हम एक वर्चुअल मशीन का बैकअप कैसे लेते हैं और उसको बैकअप लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। फाइल रिकवरी की होती है, ठीक है, सर्विस रिकवरी पॉइंट की ज़रूरत होती है। सर्विस रिकवरी पॉइंट में हम बैकअप कैसे ऐड करते हैं, किस चीज़ का बैकअप लेना है, लाइक वर्चुअल मशीन का लेना है या किसी स्टोरेज का लेना है आपको। उसके बाद आपने सीखा कि आपको फाइल रिकवरी कैसे करवाते हैं, फाइल रिकवरी के थ्रू आप बैकअप रिकवर कैसे करते हो अपना। ठीक है सो, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एज्योर वीएम का बैकअप लेके उस पूरी की पूरी इंटायर वीएम को कैसे रिस्टोर करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स गाइस, कीप वॉचिंग और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो थैंक यू, बाय बाय।